राजस्थान में मतदान के 8 दिन शेष हैं, लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी को राजस्थान में काफी करारा झटका लगा है। बता दें कि चुनाव से पहले ही आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी पप्पू कुरेशी ने कांग्रेस में शामिल होकर अरविंद केजरीवाल को झटका दिया है। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को अपना समर्थन दे दिया। दरअसल पप्पू कुरेशी कांग्रेस से नाराज चल रहे थे, इसके बाद उन्होंने आपको ज्वाइन कर लिया था, जिसके बाद पप्पू कुरेशी को आम आदमी पार्टी ने हवा महल विधानसभा क्षेत्र टिकट दिया था, लेकिन कुरेशी ने आपको बड़ा झटका दे दिया है। पप्पू कुरेशी के चुनाव लड़ने से कांग्रेस को नुकसान हो रहा था। कुरेशी ने चुनाव लड़ने से कांग्रेस के लिए हवा महल सीट कमजोर मान रही थी, लेकिन अब वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। खुद सीएम गहलोत कुरेशी को मनाने उनके ऑफिस पहुंचे थे, जहां सीएम ने समझा इश्की, वहीं कुरेशी और मंत्री महेश जोशी के बीच अनबन मानी जा रही थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ कांग्रेस प्रत्याशी आर तिवारी के अलावा अमीन पठान भी पप्पू कुरेशी के दफ्तर पहुंचे थे। इस दौरान पप्पू कुरेशी ने सीएम गहलोत के सामने समाज की उपेक्षा को लेकर नाराजगी जाहिर की और अपनी कई मांगों को रखा। इस पर सीएम गहलोत ने आश्वासन दिया तो कुरेशी की नाराजगी दूर हो गई। इसके बाद सीएम गहलोत हवा महल से कांग्रेस प्रत्याशी आर तिवारी के समर्थन में भट्टा बस्ती क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया।